तो क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत मैंने आप लोगों को पहला चैप्टर जो है पढ़ाना शुरू किया था, और पहले चैप्टर की अभी तक मैंने टोटल आपको दो क्लासें प्रोवाइड कर दी हैं। दोनों क्लासों को मैंने प्लेलिस्ट में सेव कर दिया है, उनका लिंक भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दिया है, जिससे जिन लोगों ने उन क्लासों को ना किया हो तो वो उन क्लासों को कर सकते हैं, ठीक है। और आज हमारे इस चैप्टर की ये तीसरी क्लास है, लेक्चर नंबर 3 है। ये लेक्चर नंबर 3 काफ़ी दिनों के बाद मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बीच में मैं आपको क्लासें नहीं प्रोवाइड कर पाया किसी कारणवश, लेकिन अब मैं आप लोगों को लगातार क्लासें प्रोवाइड करूँगा। पूरी फिजिक्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाने वाला हूँ, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे उनको क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए भाई, पिछली क्लास में जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें मैंने आप लोगों को कूलाम का नियम बताया था और वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना को समझाया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम जानेंगे कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है ये क्या होता है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा को समझना है आपको। ये आपका एक आवेश है, आवेश के चारों ओर एक अपना निश्चित एरिया होता है, अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है, ठीक है। और इस निश्चित क्षेत्र में जब कोई अन्य आवेश लाया जाता है तो वह या तो वो आकर्षण बल का अनुभव करता है और या तो फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, और इसी एरिया को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो परिभाषा ये बन गई कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक, जिसमें कोई अन्य आवेशित कण या जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह क्षेत्र आपका कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। कितनी आसान परिभाषा है, एक बार और सुनिए। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। कूलाम साहब ने बताया था कि अगर आवेश समान होंगे तो ये आपको एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इन पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और अगर ये प्लस है ये माइनस है तो एक दूसरे पर आकर्षण बल कार्य करेगा। इसीलिए कहा गया कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आए और वो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो उसी एरिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये परिभाषा हो गई भाई वैद्युत क्षेत्र की। इसके बाद अगली आपकी परिभाषा है वैद्युत बल रेखाएँ। तो वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थी जो है इसको रटते हैं। समझिए वैद्युत बल रेखा क्या है। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक निष्कोण है, या निष्कोण वक्र है, या एक रास्ता है आप बोल सकते हो। ये रास्ता बनता कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये आपका आवेश था, इस आवेश को लाएं इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर और इसको चलने के लिए हम स्वतंत्र छोड़ दें, तो जब इसको वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो इस पर क्या कार्य करेगा? एक वैद्युत बल कार्य करेगा, या तो आकर्षण कार्य करेगा या तो प्रतिकर्षण कार्य करेगा। तो ये वैद्युत बल की दिशा में या तो गति करेगा और या तो वैद्युत बल की विपरीत दिशा में गति करेगा। इस आवेश को लाएंगे, इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर अगर छोड़ेंगे तो इस पर वैद्युत बल कार्य करेगा, तो ये वैद्युत बल की दिशा में या तो गति करेगा या तो वैद्युत बल की विपरीत दिशा में गति करेगा, लेकिन ये गति करेगा क्योंकि इस पर वैद्युत बल कार्य करेगा, ठीक। तो जो ये आपका इस आवेश को हम बोलते हैं परीक्षण, एकांक धन परीक्षण आवेश। तो जब इसको लाएंगे, ठीक, और इस पर वैद्युत बल कार्य करेगा, तो ये वैद्युत बल की दिशा में या वैद्युत बल की विपरीत दिशा में गति करेगा, और गति करते वक्त ये एक वक्राकार पथ पर गति करेगा। किस पर गति करेगा? वक्राकार पथ पर गति करेगा, ठीक है। ये वक्राकार जो निष्कोण वक्र है, ठीक, ये एक रास्ता है और इसी रास्ते को बोलते हैं वैद्युत बल रेखा। समझ पा रहे हो ना? इस रास्ते पर गति करने के लिए क्या चलता है? एकांक धन आवेश चलता है। बस परिभाषा बन गई। क्या आप बोलेंगे? हमने बताया कि जो ये आवेश के चारों ओर का वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई एक आवेश लाएं और इसको स्वतंत्र छोड़ दें, तो जब स्वतंत्र छोड़ेंगे तो धीरे धीरे ये वैद्युत क्षेत्र में एक वक्राकार पथ पर गति करने लगेगा। तो वक्राकार पथ पर कौन चल रहा है बताइए? गति करने के लिए कौन चल रहा है? एकांक धन आवेश ही तो चल रहा है, या एकांक धन परिक्षण आवेश ही तो चल रहा है। बस यही परिभाषा हो गई कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर गति करने के लिए एकांक धन आवेश क्या है भाई? चलता है। समझ गए? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र या काल्पनिक निष्कोण वक्राकार पथ जिस पर गति करने के लिए एकांक धन आवेश चलता है, उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखा कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। समझ गए? ठीक। अर्थात ये जो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया रास्ता होता है, इस पर गति करने के लिए क्या चलता है? एकांक धन आवेश चलता है, और इसी पथ को हम कहते हैं वैद्युत बल रेखा। अब वैद्युत बल रेखाओं के गुण पूछा जाता है कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण लिखिए। वैद्युत बल रेखाओं के
तीन चार गुण तो आपको मिनिमम आने ही चाहिए। जैसे पहला गुण होता है ये कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो भैया धन आवेश से निकलती हैं। धन आवेश से क्या होती है भाई, चलती हैं, धन आवेश से निकलती हैं। और समाप्त काहे पर होती हैं, समाप्त ये ऋण आवेश पर होती हैं। काहे पर समाप्त होती हैं, धन आवेश से चलती हैं और ऋण आवेश में ये प्रवेश करती हैं। पहला गुण तो ये हो गया कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा गुण ये आपका होता है, देखिए जो वैद्युत बल रेखाएं होती है, जैसे ये वैद्युत बल रेखा है तो इस पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींच दें तो ये जो स्पर्श रेखा है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। किसको व्यक्त करेगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। तो वैद्युत बल रेखाओं का दूसरा गुण ये कहता है कि वैद्युत क्षेत्र में खींची गई जो स्पर्श रेखा या जो वैद्युत बल रेखा है उस पर खींची गई स्पर्श रेखा उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। ये रेखा, ये जो आपकी वैद्युत बल रेखा थी, इस पर जो हमने स्पर्श रेखा खींची है, ये स्पर्श रेखा उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। ये वैद्युत बल रेखा का दूसरा गुण है। तीसरा गुण क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती। अगर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी तो एक स्पर्शी रेखा इस बल से खींची जाएगी, एक स्पर्शी रेखा यहां से खींची जाएगी, तो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि, उसमें एक दिशा होगी कि दो दिशाएं होंगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये घटना पॉसिबल नहीं, यानी ये घटना असंभव है, ठीक है। इसलिए वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती या एक दूसरे को नहीं काट सकती, ठीक है। बताओ ये तीसरा गुण याद रहेगा। चौथा गुण क्या होता है, जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं, जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और जहाँ पर ये वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ पर वैद्युत जो क्षेत्र होता है वो कमज़ोर होता है, ठीक। इस तरीके से वैद्युत बल रेखाओं के चार गुण तो सभी को ऐसे याद होने चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए, अब ध्यान से समझिएगा, एक बार मैं रिवीजन आपको करा रहा हूँ जिससे यहीं पर याद हो जाए। वैद्युत क्षेत्र क्या है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे वह क्षेत्र कहलाता है भैया वैद्युत क्षेत्र। फिर मैंने कहा कि वैद्युत बल रेखाएँ क्या होती हैं, इसी आवेश को इस क्षेत्र में लाएँ और इसको ऐसे स्वतंत्र छोड़ दें, तो जब स्वतंत्र छोड़ देंगे तो इस पर एक कार्य करेगा वैद्युत बल। तो ये जो आवेश है, जो ये हम एकांक धन आवेश ला के यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र में छोड़े हैं, ये इस क्षेत्र में क्या करने लगेगा, वक्राकार पथ पर गति करने लगेगा। और इस वक्राकार पथ पर जब गति करेगा तो ये अपने साथ गति करने के लिए किसको लेकर चलता है, एकांक धन आवेश को लेकर चलता है, और इसी को कहते हैं भैया वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। समझ गए, परिभाषा ये होती है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर गति करने के लिए एकांक धन आवेश चलता है, या आप कह सकते हो गति करता है, सीधी सी बात, ठीक। ये वैद्युत बल रेखा की परिभाषा हो गई। वैद्युत बल रेखा के गुण की अगर बात करें तो पहला गुण ये हो गया कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं या ऋण आवेश पर प्रवेश करती हैं। दूसरा गुण ये हो गया कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी रेखा उस पर उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तीसरी प्रॉपर्टी यह है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगर ये एक दूसरे को काटेंगी तो वहाँ पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि असंभव है, इसलिए वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। तीसरी चीज़, जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, और जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होंगी वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा भैया, कमज़ोर होगा या कम होगा। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अब आज की क्लास का हमारा अगला टॉपिक होगा, ये टॉपिक आपका ख़त्म होता है। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, अगला टॉपिक होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसके बाद हम जानेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ध्यान से समझिएगा, लेक्चर नंबर ये 3 है आपका, ठीक है। उसके बाद हम वैद्युत दुध्रुव के बारे में पढ़ेंगे, तो अगली हेडिंग सभी विद्यार्थी लगाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इसको हम बोले तो वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता भी बोल सकते हैं। तीव्रता का मतलब क्या है, प्रबलता। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये सबसे मेन परिभाषा एग्जाम में कई बार आई है, हम फार्मूला लिख के ही बता देंगे। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसीलिए इसके ऊपर वेक्टर लगा होगा। E बराबर होता है F अपान में क्यू नॉट, जहाँ क्यू नॉट क्या होता है, एकांक धन परीक्षण आवेश होता है। F भी एक सदिश राशि, इसलिए इसके ऊपर भी हम वेक्टर लगाएंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र होता है E बराबर F अपान क्यू नॉट। हम परिभाषा यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, यदि हम ये एकांक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को एक मान लें तो एक को पढ़ते हैं क्या, एकांक। परिभाषा क्या बन जाएगी, देखिए क्यू नॉट को एक मानेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो वैद्युत बल के क्या है भाई, बराबर हो गई,
क्यू नॉट का मान 1 मान लिया। तो परिभाषा इसकी आप सभी लोग कॉपी पर लिख लीजिएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, या आप ऐसे भी परिभाषा बोल सकते हो कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर, क्योंकि हमने क्यों को एकांक बोला है और ये धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और एकांक धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, या ऐसे भी लिख सकते हो कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, या फिर सरल शब्दों में मैं बार बार वही चीज़ बता रहा हूँ कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्लियर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसके मात्रक और विमा पर। मात्रक क्या होगा भाई, तो मात्रक सभी लोग बता सकते हो बल, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। ठीक, और नीचे बटे में क्या है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम। कितना आसान, दूसरा मात्रक एक और होता है याद रखिएगा, अभी गॉस की प्रमेय पढ़ाएंगे, वोल्ट प्रति मीटर। ये मात्रक कैसे आता है, एक रिलेशन होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव परवर्ता में संबंध। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो विभव परवर्ता के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यहाँ पर देखिए ई बराबर डेल वी बाई डेल एक्स है, वी का मात्रक वोल्ट यानी विभव है और दूरी का मात्रक मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है भैया, मात्रक होता है। ठीक है, अब बात यहाँ पर आएगी विमा निकालने की। तो देखिए न्यूटन, न्यूटन की विमा होती है एम एल टी माइनस टू, हमने लिख दिया, और बटे में आ जाए कूलाम, कूलाम की विमा होती है ए टी। जब इसे सॉल्व करेंगे तो एम हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एल है तो एल ऐसे लिख दीजिए, एल और कहीं है नहीं, टी की पावर माइनस दो, यहाँ पर टी की पावर एक है, ये ऊपर जाएगा, टी की पावर माइनस एक, टी की पावर माइनस दो, टी की पावर माइनस तीन, ए की पावर एक ऊपर जाएगा तो ये ए की पावर हो जाएगा माइनस एक। इस तरीके से ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा भी आ गई। बताइए किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भैया, आप कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट होता है, जहां क्यू नॉट एकांक धन परीक्षण आवेश होता है। अगर हम क्यू नॉट को एकांक मान लें तो किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, आप देख सकते हो, या आप ऐसा बोल सकते हो कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मात्रक की बात करेंगे तो न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। बीमा की बात करेंगे तो एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। क्लियर हुई बात, अब हम अगली हेडिंग डालेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसको भी आज ही की क्लास में हम देख लेते हैं भाई। ठीक है, काफी दिनों के बाद क्लास बना रहे हैं इसलिए आज की क्लास थोड़ी सी छोटी तो होगी ही, लेकिन आप सभी लोग अब एक्टिव हो जाइए, लगातार आपको हम क्लासे प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अगला आपका टॉपिक हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपका छोटा सा डेरिवेशन है और बहुत ही आसान है, बस आपको समझने की थोड़ा सा देरी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, देखिए ध्यान से, ये हमारा हुआ एक बिंदु आवेश। ठीक है, अब अगर ये बिंदु आवेश है, इसको नाम दे देते, इसको हटा देते थोड़ा सा, देखिए ये एक बिंदु आवेश ओ हुआ जिस पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक, ये एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कितना है के, तो लिखेंगे माना एक बिंदु आवेश ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। ठीक, इस आवेश के चारों ओर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस वैद्युत क्षेत्र में स्मॉल आर मीटर की दूरी पर एक हम मान लेंगे बिंदु पी, जिस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि इस पर जो एक आवेश है वो परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। क्या भाई, परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, हमको इस बिंदु पी पर ही क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पढ़ें कूलाम के नियम से। ठीक है, आप हिंदी लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख सकते हो, मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूँ, आप लिखेंगे कि माना एक बिंदु आवेश ओ है, माना एक बिंदु आवेश ओ है, एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है। क्लियर है, इस वैद्युत आवेश के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में स्मॉल आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, जहाँ पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। माना बिंदु पी पर एक परीक्षण आवेश आपका क्यू नॉट है, तब कूलाम के नियमानुसार,
कूलाम के नियमानुसार, कूलाम का नियम ये कहता है कि अगर दो बिंदु आवेश एक दूसरे से स्मॉल आर मीटर की दूरी पर हैं तो उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम यह मान लेंगे समीकरण एक, ठीक है। और अभी अभी मैंने आपको बताया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, याद है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर मैंने आपको पढ़ाया F अपान क्या होता है भैया Q0। इसको मान लेंगे समीकरण दो, ये जो F का मान कूलाम के नियम से आया है इसको उठा करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले सूत्र में रख देंगे क्योंकि हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकालना है। तो लिखेंगे F का मान रखने पर, क्या करने पर भैया, F का मान रखने पर, तो F का मान रखेंगे तो E बराबर कितना हो जाएगा, F का मान है 1/4πε0 K, के क्या है माध्यम का परावैद्युतांक है और ये आपका हो जाएगा Q1 Q2 बटे में कितना हो जाएगा R2 पूरे के बटे में कितना हो जाएगा Q0। यहाँ पर देखिए Q1 Q2 मैंने कर दिया है, Q1 के स्थान पर क्यों है और Q2 के स्थान पर कितना है Q0 है, इसको कर लीजिएगा Q0, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा तो जो वैद्युत छेद की तीव्रता का व्यंजक आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 1/4πε0 K और ये आपका हो जाएगा Q/R2। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अभी बताया, मात्रक लिख दीजिएगा पीछे न्यूटन प्रति कूलाम या ओल्ड प्रति मीटर, ओके। यहाँ पर एक लाइन और आपको लिखना पड़ेगा, आपको मैंने बताया था कि निर्वात अथवा वायु के लिए जो K का मान होता है वो 1 होता है, किसके लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए। अन्य किसी पदार्थिक माध्यम के लिए K का मान 1 से अधिक होता है और जबकि धातुओं के लिए K का मान कितना होता है, इन्फिनिटिव होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो यदि यहाँ पर माध्यम मान लेते हैं ऐसा है निर्वात अथवा वायु है तो अगर K बराबर 1 है तो इसके लिए K बराबर 1 के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ जाएगा E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 Q/R2। 1/4πε0 मैंने बताया था कि एक नियतांक है जिसकी वैल्यू 9×10 की पावर कितनी होती है, 9 है ना, 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होती है। तो इस तरीके से मैंने आपको इस क्लास में क्या क्या बताया भैया कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम कैसे ज्ञात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। देख कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ कैसे संबंधित है, तो आप कह सकते हैं कि जो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूरी के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। जबकि वैद्युत दूध्रुव के कारण जब बताएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होगी और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये बहुविकल्पी में कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम वैद्युत दूध्रुव वाला टॉपिक पढ़ाएंगे और वैद्युत दूध्रुव आघूर्ण के बारे में बताएंगे और उसके कारण अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना बताएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।